जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जिस देश में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो और देश के प्रधानमंत्री वो युवा को गुमराह करे। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो इस देश में 5 किलो चावल बांटकर देश के लोगों को बता रहा कि यही विकास है। नमस्कार, मैं सनप मल्ला मुकेश सहनी। कुछ मीडिया के साथी ने हमसे कहा कि आप प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दिए, तो मैंने कहा कि मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो हमारे देश के संविधान को खत्म करने का सोच रखता रहे। मैं ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो हमारे देश को भाईचारा को खत्म करने का सोच रखता रहे। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो देश में जनता का चुना हुआ सरकार को रातों रात गिरा दे और अपनी सरकार बना ले। ये है लोकतंत्र। मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाए, जब उनकी बात को ना माने तो उस विधायक को खरीद ले। ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को मैं बधाई दूं जो गरीब पिछड़ा दलित का हक अधिकार को दूसरे में बांट दे। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं कैसे बधाई दूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना को कुचलने का कोशिश करे। बाबा साहब ने सोचा कि संविधान में SC ST को हम आरक्षण दे ताकि उनका जीवन स्तर सही हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जितने भी सरकारी संस्था है सभी को प्राइवेट किया जा रहा है ताकि सरकारी नौकरी खत्म हो जाए। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो निशा समाज का आरक्षण ना दे, समय पर वादा कर ले, जब उनका समय निकल जाए तो मुकर जाए। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष कर रहा अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, उसको हर तरह से खत्म करने का सोच रखता रहे। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं क्या बधाई दूं। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जिस देश में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो और देश के प्रधानमंत्री वो युवा को गुमराह करे। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो इस देश में 5 किलो चावल बांटकर देश के लोगों को बता रहा कि यही विकास है। मैं कैसे बधाई दूं प्रधानमंत्री जी को जो 75 साल की उम्र में देश के युवा से मौका मांग रहे हैं और एक तरफ हमारे देश में अग्निवीर योजना लाकर हमारे युवा को 22 साल में रिटायर करने का सोच रखता रहे। मैं कैसे प्रधानमंत्री जी को बधाई दूं जिस देश में लाखों किसान आत्महत्या करे, जब किसान अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली की इधर कूंज करे तो रोड पे कील ठोककर ताकि हमारे देश का किसान दिल्ली में अपनी बात न रख सके। कैसे मैं प्रधानमंत्री को बधाई दूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।